अलवर गेट थाना पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। अलवर गेट थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि दो आरोपी अजमेर निवासी भवानी सिंह व कालू रावत को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने 7 वारदातें कबूली हैं। वहीं आरोपियों से 7 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से और भी वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दिनांक 23 जनवरी 2021 को तरुण सेन निवासी थाना रामगंज अजमेर शहर ने एक रिपोर्ट थाना अलवर गेट पे इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 11 जनवरी 2021 को मेरी मोटरसाइकिल जो इसमें खड़ी थी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल न्यू ब्लू स्टार हेयर ड्रेसर 7 पिपली बाजार नसीराबाद रोड पे खड़ी थी, उसको कोई चोर उठा के ले गया। उसने पहले अपने स्तर पे तलाश कराई, उसको नहीं मिली। उसके बाद 23 जनवरी को हमारे थाना अलवर गेट पे अपनी एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद मोटरसाइकिल की बढ़ती चोरी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए सर्किल स्तर पे और थाना स्तर पे स्पेशल टीम गठित की गई। सीओ साउथ के निर्देशन में एसएचओ अलवर गेट सुनीता गुजर और कांस्टेबल ब्रजलाल राम नरेश सुखराम, जगदीश टीकम सिंह और राम प्रताप तथा बहादुर सिंह हेड कांस्टेबल को मिलाकर के एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और कांस्टेबल ब्रजलाल राम नरेश और सुखराम की सूचना पर, किसी खास मुखबिर की इतला पर इनको ये इतला मिली कि इस तरह की चोरियां भवानी सिंह निवासी भवानी खेड़ा थाना नसीराबाद सदर इस तरह की वाहन चोरियां करता है। उसको पूछताछ के लिए हमारी स्पेशल टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ पर उसने वारदात करना कबूल किया और ये स्वीकार किया कि मैंने अब तक शहर में अजमेर शहर में विभिन्न थानों क्षेत्रों में 7 मोटरसाइकिल की चोरियाँ की है। और यह चोरी करने के बाद सभी मोटरसाइकिल उसने अपने एक साथी कालू पुत्र दल्ला जाति रावत निवासी ग्राम गुड्डा थाना गेगल जिला अजमेर को बेचना बताया। ये जो कालू रावत है ये मोटरसाइकिल का मिस्त्री है और ये मोटरसाइकिल ठीक करने का काम करता है। और इसकी मोटर्स ऑपरेंडी यह है कि इस तरह चोरी की मोटरसाइकिल खरीद के सस्ते दामों पे और उनके पार्ट्स को निकाल लेता है और उन पार्ट्स को फिर अलग अलग महंगे दामों पे बेचता है और कोई मौका लग जाए तो पूरी मोटरसाइकिल भी बहुत महंगे दाम पे बेच देता है। इस तरह दोनों ने मिल करके और शहर में वाहन चोरियाँ करी और ये जो 7 जगह इसने वाहन चुराए उसमें एक तो है 7 पिपली बालाजी मंदिर के पास, दूसरी ICICI बैंक के पास आदर्श नगर, तीसरी HDFC बैंक के पास आदर्श नगर, चौथी देव सेनेटरी DAV सेनेटरी पब्लिक स्कूल के पास आदर्श नगर, पांचवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास माखूपुरा आदर्श नगर, छठी शालीमार कॉलोनी आदर्श नगर और सातवीं पर्वतपुरा बाईपास आदर्श नगर। ये 7 जगह से इसने भवानी ने मोटरसाइकिल चुरा के और कालू को बेची और इन्होंने इनको खुरदबूर कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके और पुलिस रिमांड मांगा गया है। हमारी स्पेशल टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और हमें उम्मीद है कि इनसे अन्य वाहन चोरियों की वारदात खुलने की पूरी संभावना है। शहर या अजमेर जिले या आसपास के जिलों से भी इन्होंने वाहन चुराने की पूरी संभावना है, जिसके लिए हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और ये भी हम पूछताछ में क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। अनुसंधान के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इनके साथ वाहन चोरी में कौन कौन शामिल है या इन्होंने वाहन किन किन लोगों को बेचे हैं और पार्ट्स किन किन को बेचे हैं, उसके बारे में संपूर्ण अनुसंधान करके उनके खिलाफ भी नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहना श्री रेस्टोरेंट, एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन वैरायटीज ऑफ फूड। नाउ गेट 10% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। कहना श्री रेस्टोरेंट, A24C ए ब्लॉक नियर सिटी स्क्वायर मॉल, पंचील नगर, अजमेर। So contact 9929590449.